बिग बॉस 16 के इन कंटेस्टेंट पर बढ़के राहुल वैद्य सारे आम दे डाली ये नसीहत, कामे पंजाबी ने बताया बोर। बिग बॉस 16 के घर में घमासान शुरू हो चुका है। दो दिन में घर वालों ने एक दूसरे की बखिया उधेड़नी शुरू कर दिया। कंटेस्टेंट ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। हाल ही में घर के सदस्य एक दूसरे को नॉमिनेट करते हुए नजर आए थे। इस दौरान तीन हसीनाओं ने सदस्यों को नॉमिनेट करते हुए सॉरी बोला। सॉरी सुनकर बिग बॉस भड़क गए, जिसके बाद बिग बॉस ने इन तीनों हसीनाओं को घर का सारा काम करने की सजा सुना दी। इन तीन हसीनाओं में टीना दत्ता, मान्या सिंह और सौंदर्या शर्मा शामिल है, जिसके बाद ये तीनों हसीनाएं बिग बॉस के घर में सारा काम करती दिखी। इसी बीच बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रह चुके राहुल वैद्य ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट की क्लास लगा दी। कुछ समय पहले ही राहुल वैद्य ने टीना दत्ता, मान्या सिंह और सौंदर्या शर्मा के नाम एक ट्वीट लिखा। इस ट्वीट में राहुल वैद्य ने बिना किसी का नाम मेंशन किए लिखा, कोई बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट को जाकर बताओ कि इस घर में सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो सॉरी कैसे बोलना, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जबरदस्ती की लड़ाई मत करो। लड़ाई के बाद 2 घंटे के बाद सुलह भी नहीं करनी है, जो सच में चल रहा है वो चीजें दिखाओ, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो। आपको बता दें कि राहुल वैद्य से पहले काम्या पंजाबी ने बिग बॉस पर कॉमेंट किया था। काम्या पंजाबी ने दावा किया था कि इस बार बिग बॉस फ्लॉप और बोरिंग है। अपने ट्वीट में काम्या पंजाबी ने लिखा, बिग बॉस 16 से भगवान दर्शकों को बचाए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिग बॉस 16 फ्लॉप हो जाएगा। मैंने पहले दिन शो नहीं देखा, अब देखकर लग रहा है कि मैं बोर हो रही हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आप राहुल वैद्य और काम्या पंजाबी से सहमत है या नहीं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू।